वेलकम बैक टू माई न्यू कुकिंग ब्लॉग। तो आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ पालक पनीर की रेसिपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पालक पनीर के लिए सबसे पहले चाहिए यहाँ पर पालक। तो यहाँ पर मैंने कम से कम नहीं तो 3 बंच पालक के लिए हैं, तब जाके इतनी पालक मिली है मुझे। तो पहले मैं इस पालक को उबालने रख दूँगी और ये उबलने में लगभग 10 से 15 मिनट लेगी। तो इसको पहले हम बॉयल करने रख देते हैं। और गाइज़ मैंने इसको ना बहुत अच्छे से धो लिया है, तो आप भी प्लीज़ धोकर ही करें क्योंकि अभी सब्जियों में कीड़े आ रहे हैं मौसम की वजह से। तो इसलिए आप पहले सब्जियों को अच्छे से धो लें, फिर उसके बाद इनको बॉईल करने के लिए लगाएं। अब मैं इसमें पानी डाल के लगभग 2 जग पानी डालूँगी और इसको बॉईल करने रखूँगी। जब मैं इसको बॉईल करने रख रही हूँ, मुझे इसमें 1 जग पानी ही सफिशियंट लगा, तो इसलिए मैंने 1 जग पानी ही डाला है। आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। तो अब मैं इसको पहले बॉईल होने रख दूंगी और 10-15 मिनट तक हम वेट करेंगे ये बॉईल हो जाए अच्छे से, फिर उसके बाद आगे की प्रोसेसिंग स्टार्ट। हमारी हो चुकी है और आपको कैसे पता लगेगा कि पालक हमारी अच्छे से बॉईल हो गई है? तो यहाँ पर हम थोड़ा सा पालक ले लेंगे। एक तो ये ट्रांसपेरेंट हो जाती है, दूसरी चीज़ आप इस तरीके से इसको चम्मच में लेंगे और इसको ऐसे प्रेस करके देखेंगे। तो अगर ये अच्छे से प्रेस हो रही है, ये देखिए इस तरीके से अगर अच्छे से प्रेस हो रही है, इसका मतलब आपकी पालक हो चुकी है। तो गाइज अब हम अपनी पालक को इसमें इसका पानी निकाल लेंगे और ये जो पानी है इसे हमें फेंकना नहीं है, हम इसको अपनी सब्जी में यूज़ करेंगे। तो ये देखिए हमारी पालक, हमने इसमें पानी निकाल लिया है, इसका पानी है अलग से, इसको फेंकना नहीं है। और ये हमारी पालक है, अब हम इसको ठंडा होने तक का इसका इंतज़ार करेंगे। और अगर आपको जल्दी है कि आपको जल्दी सब्जी बनानी है तो आप इसको ठंडे पानी से भी धो सकते हैं। कर लिए हमने इसको पानी में अच्छे से धो लिया है इसको, तो अब हम अपने इसको पीस लेंगे। इसमें जार में डाल के इसको अच्छे से हमें एकदम बारीक इसको पीसना है। तो मैं पहले इसको पीस लेती हूँ। तो गाइस मैंने इसको एकदम बारीक पीस लिया है, ये देखिए आप एकदम अच्छे से इसको एकदम बारीक पीसना है। ये देखिए एकदम बारीक पीस चुका है। तो अब हम अपने सब्जी की तरफ, बनाने की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइज़ यहाँ पर मैंने जो अपनी कढ़ाई है उसको पहले अच्छे से गर्म होने रख दिया है। इसमें मैं डालूँगी जो हम हमेशा खाते हैं, सरसों का तेल। मैंने यहाँ पर लगभग 5 खाने वाले चम्मच तेल लिया है। आप अपने अकॉर्डिंग, जिस हिसाब से आप ऑयल पसंद करते हैं, आप उस अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। तो अभी पहले मैं इसको गर्म होने दूंगी। तो गाइस हमारा यहाँ पे तेल गर्म हो गया है, अब मैं इसमें डाल दूंगी जीरा, जीरा लगभग आधी चम्मच। और अब मैं इसमें डालूंगी जो यहाँ पर हमने पहले से ही पेस्ट बना के रख लिया है, लहसुन, हरी मिर्च और अदरक का। तो मैं उसको डाल दूंगी इसमें और इसको अच्छे से हम भून लेंगे। तो गाइज मैंने यहाँ पर लगभग पूरी 1 जो गांठ होती है उसकी, लहसुन की, वो लिया है। और मैंने यहाँ पर 4 हरी मिर्ची ली हैं और मैंने 1 टुकड़ा अदरक का लिया है, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का लिया है। यहाँ पर हमारा ये पेस्ट जो बनाया था हमने वो हो चुका है अच्छे से। इसने ऑयल देख रहे हैं आप, ऊपर छोड़ दिया है। और अब हम इसमें डालेंगे हमारी प्याज का पेस्ट। मैंने यहाँ पर बहुत छोटी छोटी प्याज, मतलब इतनी छोटी छोटी प्याज ली हैं मैंने। तो आप मीडियम साइज़ की आप 2 प्याज ले सकते हैं और 3 भी ले सकते हैं, लोगों की क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। तो मेरे यहाँ 5 लोगों का बना रही हूँ मैं, तो 5 लोगों के हिसाब से 2 मीडियम प्याज सफिशियंट है। इसको भी हम अच्छे से भुनने देंगे। यहाँ पर हमारा ये जो प्याज का पेस्ट भी था वो हमारा अच्छे से हो चुका है। आप देख रहे हैं इसने साइड साइड में ऐसे ऑयल छोड़ दिया है। अब हम इसमें डालेंगे जो हमने टमाटर का जो पेस्ट बनाया था वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। मैंने यहाँ पर 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं और इसको भी हम इसी तरीके से भुनने देंगे। गाइज यहाँ पर हमारे टमाटर भी हो चुके हैं, साइड में आप देख रहे हैं ऐसे बबल्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब टमाटर भी हो चुके हैं और साइड में उसने ऑयल भी छोड़ दिया है अपना। तो अब हम इस स्टेज पे डालेंगे यहाँ पर मलाई
मैंने यहाँ पर थोड़ा सा दूध भी इसी में ऐड कर लिया है क्योंकि हमारी इससे पालक पनीर जो है वो थोड़ी अच्छी क्रीमी बनेगी, तो इसीलिए हम इसको भी ऐड कर देते हैं। इसको हम स्टिर करेंगे तब तक जब तक इसमें बॉयल ना। हमारी मलाई भी हो चुकी है, आप साइड साइड में देख रहे हैं, जैसा कि इसका मतलब है मलाई हो चुकी है, ये देखिए, और इसने कढ़ाई भी छोड़ दी है, तो इसका मतलब हमारी मलाई हो चुकी है। तो अब हम इसमें अपने स्पाइसेस ऐड करेंगे। इसे मैं डाल रही हूँ आधी चम्मच लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर लगभग 2 चम्मच, गरम मसाला 1/2 चम्मच, आधा चम्मच मैंने यहाँ पर गरम मसाला डाला है, और मैं इसको अब अच्छे से मिक्स कर दूँगी। तो गाइज अब मैं इसमें डाल दूँगी कसूरी मेथी, ये इतनी कसूरी मेथी ली है मैंने, इसको मैं अच्छे से क्रश कर दूंगी और इसमें इस तरीके से डाल दूंगी, और इसको भी ऐसे अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। अब मैं डालूंगी इसमें जो हमने पालक का पेस्ट बनाया था वो, गाइज मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया, जो हमने पानी बचाया था बॉयल के टाइम बॉयल वाला, तो उसको हम इसमें ऐड कर देंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे, ये देखिए। अब मैं इसमें डाल दूंगी नमक स्वाद अनुसार, इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे फिर से, और मैं इसमें पानी और ऐड करूंगी क्योंकि अभी हमें इसको अच्छे से इसको खटकाना है, तो अच्छे से इसमें थोड़ा सा पानी और डालना पड़ेगा, इसमें मैं और पानी ऐड कर देती हूँ, और अब इसमें हम बॉईल आने तक का वेट करें। यहाँ पर 200 ग्राम लगभग मैंने यहाँ पनीर लिया है, तो मैंने इसको इन इस तरीके के पीसेज में कट कर लिया है, आपको जिस तरीके से पीसेज अच्छे लगे आप उस तरीके से काट लीजिए। और अब हम इसको हमारे इसमें तब तक बॉईल आ रहा है पन इसमें जब हमारी ग्रेवी में, तब तक हम इसको वेट करेंगे। तो गाइस यहाँ पर हमारी ये ग्रेवी जो है वो एकदम अच्छे से तैयार हो चुकी है। अब मैं इस स्टेज पर इसमें डाल दूँगी पनीर के टुकड़े, और गाइज मैंने यहाँ पर ये 2 पीसेस इसलिए बचा के रखे हैं क्योंकि जब हम अपनी सब्जी को जब सर्व करेंगे तो उसके ऊपर ये मतलब इसको ग्रेट करके डालेंगे तो ये बहुत अच्छा लगेगा, मतलब एज अ डेकोरेशन के अकॉर्डिंग। इसको अब हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। पनीर डालने के बाद गाइज याद रखना कि सब्जी को हमें ज़्यादा चलाना नहीं है, अगर आप ज़्यादा चलाएंगे तो पनीर हो सकता है टूट जाए, तो इसीलिए हमें सब्ज़ी ख़राब नहीं करनी है, तो इसके ज़्यादा ना चलाएं। इसको थोड़ा सा बॉयल कि इसमें ऊपर ऊपर हल्का हल्का सा ऑयल आ गया है, तो इसका मतलब हमारी सब्जी जो पालक पनीर है वो बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसकी आपको सर्विंग के साथ मिलती हूं। ये हमारी पालक पनीर की सर्विंग के साथ हम तैयार हैं। तो गाइस जो पालक पनीर है बहुत ही डिलीशियस बनी है, मतलब एकदम माउथ मेल्टिंग है, और पनीर भी जो है वो भी बहुत माउथ मेल्टिंग बना है। तो गाइस आप अब मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है, और मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, और बगल में ये बेल आइकन है उसे ज़रूर दबा दीजिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।